सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये संसार वासियों, ये जकारा कलयुग के अंतम समय क्यामत तो पहले कालपुरख परमात्मा ने नौ खंड सत्तां दीपां वास्ते बख्शिश किया है और दास नूं भी मिलिया है। अज मेरे दिल में एक विचार आई कि अपना इंटरव्यू आप ही दसीए, अस भी कहड़ा रजत शर्मा ने कि इंडिया टीवी पर चांस मिलना है। कोर्टा कचहरियां के बारे च सोच गए, कुछ विचार लगे हैं दसन। मेरे पिता जी श्री साईदास जी शंभ इलाके के अं रहन वाले सा। शंभ सारी दुनिया जानती है कि सन 65 के बीच पाकिस्तान हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा मैदान जंग बनया हाँ, वो ताशकंद समझौता होया हाँ, तो शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर उस संसार छड़ गए। मेरे पिता जी 47 तो पहले लालपुर लेबर का काम करते हैं। एक मंडी विच रात नूं चोर 3-4 आ गए गल्ला लुटन वास्ते। मेरे पिता जी ने एक चोर नूं अपना जफा मार लिया और चोर नाल लड़दे लड़दे बाकी दे चोरां ने पहला उन्होंने 2-3 ठोकियां। वो कहिंदा भाई मैनू पकड़न वाला थल्ले है, ते पलेस्ता मारिया पिता जी उपर हो गए, फिर थल्ली भी उन्होंने मारन गए। अंधी चाखड़ ते तूफान सी, चोर डरदिया नहीं आ रहे, ये उपरले छत तो दोए रिड़दे रिड़दे थल्ले चले गए और चोर चोर मेरे पिता ने चलाना शुरू कर दिता। हुण की हो गया कि अगे पिछे जिहड़े लेबर से दौड़ के आ गए, उन्होंने आ गए रात के टाइम उस चोर नूं फड़ लिया ते पुलिस नूं हैंडओवर कर दिता। मेरे पिता जी की बाडी स्वामी राम जी की तरह बड़ी पतली जी पर सख्त बड़ी सी, जिहदा हथ फड़ लिया छड़दिया नहीं है। मैं भी कई बार मैनू भी फड़ लैंदे तो मैनू नहीं छड़दे। चोर की माँ ने कहा कि मैं वो बंदा देखना चाहनी हाँ जिसने मेरे बेटे नूं पकड़िया है, कि वो टिच बटन वाला इशारा पाता है चोर पकड़ने आता। तो माता ने आके उन्हूं कहा शाबाश पुत्रा, तेरा शरीर छोटा पर तू मेरा पुत्र पकड़िया है। फिर चोर ने भी कहा कि मैनू जिहड़ी मर्जी सज़ा दे दिओ पर मैनू वो बंदा दसो जिन्हें मैनू पकड़िया है। जदों पिता जी ने देखा वो कहिंदा जे मैनू राती पता चल जाता साइया तो मैं तेनों 1-2 मील खिच के लै जाना। मेरे पिता जी भी कह लगे जे मैनू राती पता चल जाता तू एडा बड़ा तगड़ा जवान ही, तो मैं भी भरावा डर के नहीं मर जाना हाँ। तो यह है कि अनजाने दे विच जफा लग गया और जिन्हों परमात्मा बख्शिश करे वह हुंदा है। मेरे पिता जी उस टाइम दे विच 100 रुपया इनाम मिलिया। उन्होंने मैनू एक दिन पूरी कहानी सुनाई तो मैं क्या पिता जी मैनू होर भी कोई कहानी सुनाओ, क्यों बचपन से बड़ा दिल करता हाँ। अजकल तो माँ बाप कोई कहानियाँ सुनता ही नहीं, वो टीवी का जरा इंटरनेट टेलीफोन लभ गया है, बच्चे सारे उदे पर ही लग गए ने। तो मेरे पिता जी ने कहानी सुनाई कि बेटा पहले जड़े राजे महाराजे होंगे है वो राती बेस बदली कर गए, अपने राज दे विच पैदल चलते हैं, दिखते कि दुनिया साढ़े बारे की सोचती है, की रिमार्क लोग देंगे ने। तो राजा एक जा रहा हाँ, एक बारबर नथू राम दुकान तो कहता है कि बड़ा भ्रिष्टाचार हो रहा, इंसाफ ही नहीं है, क्योंकि राजा साढ़ा इन्ना लायक नहीं है, एक्शन नहीं लै सकता, मैनू 3 दिन वास्ते राजा बनाओ, देखो कि फिट कर देना सारे स्टेट में। राजे ने सुन लिया, सुबह राजे ने बुलाया कि बुलाओ भाई वो बारबर नथू राम जी, कहता कल की कह रहे हैं। वो कहिंदा महाराज राती मैं कुछ कह दिता मैनू माफ़ कर दो। कहिंदा नहीं, जे तू मेरी गल नहीं मनी तेनू फांसी ला देंगा, इस करके मैं 3 दिन की छुट्टी बाहर जा रहा घूमन वास्ते, तू 3 दिन वास्ते बारबर नथू राम नू राजा बनाता। बारबर बेचारा डरदा डरदा राजे की कुर्सी पर बह गया। वो जड़े बाद में आए नौकर, राजा जी अज दसो तुहानू कोई काम, वो कहिंदा काम कुम छड्डो मैनू पहला होका पा के दिओ भाई ठंड लग रही है। वो होका सिक रहा सी, हलकारे फड़ के लाए एक बंदे नूं, कहिंदे महाराज इहनूं फांसी का हुक्म होया है। तो उहदा मैं की करां भाई, कहिंदे तुहाडे पर तुसीं महाराज हो, अज इहनूं छोड़ भी सकते हो जां इहनूं फांसी दे दीए। कहिंदा दस मड़ा तू किहड़ा काम कीता इह जिहड़ा तैनूं फांसी का हुक्म हो गया। कहिंदा महाराज मैं अनपढ़ बंदा, मैनूं कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं कीता, मैनूं फड़ के पुलिस लै गई। 2 काले कोट वाले लड़ रहे सन,
एक उधर बोलता एक वो बोलता, इन्हें बड़ी आपस में पता नहीं की बोलते, मैनू नहीं समझ लगी। और एक सामने उन्होंने जज कहते मैं बैठा हाँ, उन्हें लास्ट में बोलिया चलिया है नहीं, पेन फड़िया कहिंदा फांसी दे दियो बस। राजा कहिंदा उन्हें तो छड़ दियो, पर जिहड़े बगैर बोले चल रहे बेचारे की सुनी नहीं है, काले कोट वाले फांसी दे दिता, ऐसा करो इनू छड़ दियो गरीब नू, वो दोए काले का कोट वाले जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे दियो। तो राजे का हुक्म, वो एक दिन बाद तीन दिन वास्ते राजा सी, दोनों वकीलों को फांसी दिती गई। सारी स्टेट में हाहाकार मच गई, कोर्ट सारिया हड़ताल पर चली गई कि ऐसा राजा आया भाई। उस वेले चोरों ने कहा कोई चोरी नहीं करनी भाई, जमानत नहीं होनी, कोई डाका मारने वाले, कोई बदमाशा वाले, कोई रैप करने वाले, सारे चुप के भाई राजा बड़ा सख्त है, जमानत होनी नहीं। तीन दिन तक बिल्कुल साइलेंस, कुछ नहीं होया। राजा तीन दिन बाद आके कहता है दस भाई नथू राम तू कैसा चल जा रहा राज। कहता साहब तुसी कह रहे हो कि राजे के सिर पर तलवार होंगी है, मैं उपर दिता रहा तलवार तो लभी कोई नहीं। कहता कोई काम भी किया, कहता एक किया एक केस लै आए वो मैं कर छुड़िया गल, उन्हीं बाद आया ही कोई नहीं है। तो वीरो ऐसी गल है कि इस करोना ने हुण ऐसा काम किया कि सारियों का मक्कू ठप किया। हुण बाजार खुल गए ने, दुकाना खुल गई ने, सारिया मलियारी दी दुकाना खुलिया ने, खाण पीन फ्रूट दी सारिया खुलिया ने, कोर्ट सारे बिल्कुल बंद ने, क्योंकि कोर्ट में केस ही कोई नहीं, ना तो कोई एक्सीडेंट हो रहा, ना कोई आपस में जमीना बच्चे कोई लड़ रहा है, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना जवान भी सारे सारे इस कोरोना की मौत को डर के अंदर बैठे ने। और इतना अच्छा हो गया कि हुण सारे ही कहते हैं कोर्ट वाले, मैं एक वकील को पूछा वो भाई कोर्ट क्यों नहीं खोलते, कहते केस ही कोई नहीं आ रहा, हूँ इस करके नहीं हो रहा। तो छोटी जी वीडियो इस करके है, हूँ वो बार बार नथू राम के हाथ कमान तीन दिन की आई, तो राजे ने कहा वाकई भाई अनपढ़ आदमी भी राज कर सकता है। हूँ भरावो ये जी दुनिया की कमांड है, ये इस वेल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को आ गई है, क्योंकि काल पुरख परमात्मा वो मिल गया। उन्हें कहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कलयुग के सतयुग दो बैल बना ले ने, ते अगे अपने नाम का फाला ला लिया हल नू, जिहड़े किसान ने समझते हैं फाला की होंदा हल की होंदी है। हुण वह अपनी जमीन बाणी शुरू कर दिती है, हुण वह नौ खंड सत्तां दीपां नू कट्ठा ही जोत रहा है। हुण उसने अपना नाम का बीज बीजना है सारिया वास्ते एक, और सारिया वास्ते हुक्म फरमान एक, हुण सारी सृष्टि नू एक करना है, पद्धरा कर देना उन्हें। ये जिहड़ियां असीं बट्टां मुट्टां पा के बैठे सन, जिहड़े गुरुआं पीरां अवतारां कोलों पाईआं, सारियां भन देणियां ने। ये जिहड़ियां जातां पातां अमीर गरीब, ये जिहड़े साडे विच वेरवे पए होए मंदिरां मस्जिदां गुरद्वारियां चर्चां दे, ये सारे खत्म कर देगा। क्यों? उन्हों शेरां दा शेर बब्बर शेर पुरख अकाल नाल लै के आया, गोबिंद आया नाल लिया हर करतार। इस करके वीरो हुण ये छोटी जी इस करके मैं दसी कि साडा दिल विच आया कि पिता जी ने उस टाइम पर मैनू एक कहानी सुनाई ही, तो उहदा असर वाकई अज देखण वास्ते आ रहा है। दास दे पिता जी अपने पिंड विच गरीबी विच सब तो नंबर वन सन, दो रुपए नहीं उन्हां कोल मिलदे किते, इमानदारी विच नंबर वन सन, और अपनी कमाई करने विच मेहनत करने विच नंबर वन सन। जो भी किया अपनी कमाई नाल किया, उसका असर साढ़े पर भी जरूर थोड़ा बहुत है, उन्हां ते नहीं है, और उन्हां दे उपर उन्हां दे करैक्टर दे उपर असीं चले अगे, साढ़े बच्चे भी महाराज की कृपा नाल बेटियां और बच्चे उस लाइन से चल रहे हैं। लोग कहिंदे ने कलयुग है, लेकिन मैं कहना कि यह कलयुग इन्ना चंगा है, जिहड़े चंगे ने उन्हां वास्ते कलयुग कहिंदा मैं उन्हां नूं नमस्कार करना, परमात्मा नूं कहिंदा मैनूं पहचान लैण दे तेरे है किहड़े किहड़े ने मैनूं दस दे। इस करके अगर कोई आदमी मेहनती है ईमानदार है तां ओह परमात्मा भी उहदा साथ दिंदा है, कलयुग भी उहदा साथ दिंदा है। ते वीरो आओ भैणां सारियां अपने बच्चियां नूं सुधार लो, वीर नहीं सुधार सकते, भैणां अपने बच्चियां नूं दिखा दिओ कि खाण पीन ठीक कर लो, मीट शराब सिगरट तंबाकू पान चाहे ना पियो। और ये जिहड़े कलयुग दे ये जिहड़े भेक पखंड ने अंधविश्वास ने,
इन्हें चो बाहर निकलो, जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं पता है कि गलत ने वह मत करो। इस वेले परमात्मा उहदा मेहर करता है जिहड़ा उहदी गल मन्ने। इस करके भगती की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, माला फेरन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उहदे हुक्म नूं मनना है। और उसका हुक्म हमेशा यह है सच मनना। वीरो इन्हां लफ्ज़ां नाल दास शायद किसी चंगा लगे माड़ा लगे, पर अज दिल दे विच आया कि क्यों ना असीं अपने विचार जिहड़ा है, इंटरव्यू तो साढ़ा किसी ने लैना नहीं है, अपना इंटरव्यू आपे दे दें। और ये आज़ादी है कि आदमी व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जो चाहे वह पा देता है, पर चंगा चंगा ही पाया जा तो अच्छी गल होती है। वैसे हर चीज़ पॉजिटिव है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पता नहीं ये वर्ल्ड एक कोरोना का कैसा आ गया है, जिहड़ा पॉजिटिव हो जाए उन्होंने फट के ला देते हैं वो दुखी हो जाता है। नहीं तो कहते पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए है, पॉजिटिव विचार होने चाहिए ने, सब कुछ है, पर यह बीमारी पॉजिटिव वाले की फटती है, नैगेटिव वाले अपने घर मौजा मारे ने। वारे कलयुग तेरी खेड ही ऐसी है, तेरी खेड किसी समझ नहीं आती। तू परमात्मा का सब तो प्यारा बच्चा ही और परमात्मा का सब तो लाडला ही, तू इला लाड़ा बनया रही, तू लाड़ी मौत का बड़ा हार सिंगार है, खुशियाँ मना रही है। इन्हों लफ्जा दास सोहंग महाराज शहीद सिंह विष्णु भगवान की जय। वीरो वैबसाइट देख लो nekalankarshabd.com, ये वेले बैठे घर में कोई काम नहीं, ये पढ़ो, ये जिन्हें पिछले ग्रंथ वेद शास्त्र ने ये सारिया तो बाद सारिया तो पीर गुरु पीर अवतार पैगंबरां तो बाद पुरख अकाल आया वे संसार। इस करके ये 24वां ग्रंथ 24वां अवतार 24 ग्रंथ आए ने, पढ़ो। तो इस करके अपने आप नूं आओ कलयुग तो कट के सतयुग में एंटर कर जाओ, ये मौका फिर नहीं मिलना हाथ। तो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय।